सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सो गाइस, आज हम फिर से एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं गाइस, जो अपना इंडिया सर्वर में जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर आने वाला है, न्यू इंक्यूबेटर आने वाला है, उसके अंदर गन स्किन आएगी या फिर बंडल आएगा, या फिर गाइस कौन सा गन स्किन या फिर कौन सा बंडल आने वाला है, उससे रिलेटेड गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ गाइस, आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाजू में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लेना। सो यार, इसके अंदर गाइस मैं बता दूंगा आपको कि जो अपने न्यू गन स्किन BTS की भी गन स्किन आने वाली है, वो भी मैं बता दूंगा गाइस। इसके अलावा और क्या क्या आने वाला है न्यू आने वाले समय में, सो यार पूरा का पूरा डिटेल मैं दे दूंगा इस वीडियो में। सो यार चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आने वाले समय में गाइस जो अपना ये BTS में गन स्किन है, वो गाइस वेक्टर की आने वाली है, जो कि यार काफ़ी तगड़ी एट्रीब्यूट मेरे को लगे, जिसके अंदर गाइस आप देख सकते हो डबल डैमेज है प्लस एक्यूरेसी प्लस, यानी गाइस ये हेडशॉट लगने वाले हैं इसके, ओके। और यार आने वाले समय में आई थिंक इसमें G18 की भी स्किन देखने को मिल जाएगी आपको, ओके सर। काफ़ी अच्छी गन स्किन है, और इसके अलावा दोस्तों यार एक और काफ़ी तगड़ी गन स्किन आने वाली है, शॉर्ट गन की गन स्किन है सर, वो तो मेरे को काफ़ी ओपी लगी गाइस। आप निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे ये गन स्किन गाइस, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। सर आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार कौन सी गन स्किन आने वाली है, सर उससे पहले बताने से पहले यार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और उसके बाद में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लेना। सो यार जो अपना नेक्स्ट शॉर्ट गन आने वाला है, रेडी रहो दोस्तों, मैं बताता हूँ उसके बारे में, ओके। सो गाइस देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, यार ये M1014 है गाइस, काफ़ी तगड़े एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर गाइस इसमें भी डबल डैमेज है और रिलोड स्पीड प्लस है, यानी कि यार M10 का रिलोड जहाँ तक है दोस्तों प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि यार काफ़ी तगड़ी ओपी गन स्किन देने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अंदर AC-18 की भी गन स्किन देखने को मिल जाएगी। सो यार आने वाले समय में काफ़ी ओपी गन्स आ रही है, सो यार जहाँ तक मैं बोलता हूँ गाइस ये M1014 निकाल ही लेना, क्योंकि यार काफ़ी तगड़ी एट्रीब्यूट है, और यार M10 के क्या ही हेड लगते हो पागल, M10 ने क्या ही तबाही मचा दी है आप भी जानते हो, ओके सर। ये M10 काफ़ी तगड़ी लगी, प्लस AC-18 भी काफ़ी OP है। सर आप लोग ये गन इसके निकालने वाले हो या फिर नहीं निकालने वाले हो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बता देना। सर अब मेन पॉइंट पे अपने चलते हैं, अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा आने वाला है, गन स्किन आएगी या फिर बंडल आएगा, पूरी डिटेल मैं बता दूंगा आपको गाइस। सो गाइस अपना जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर में गन स्किन आने वाला है, वो गाइस होने वाला है पैराफल का, जिसके अंदर गाइस काफ़ी तगड़े यार एट्रीब्यूट मेरे को लगे, यार क्या ही एट्रीब्यूट्स हैं यार इसके अंदर, देखो गाइस क्या ही लग रही है भाई, क्या धांसू लग रही है, जिसके अंदर गाइस आप देख सकते हो आर्मर पिटिशन 1 है, प्लस यार इसका डैमेज डबल है गाइस। ये देखो सारी की सारी गन स्किन मेरे को काफ़ी ओपी लगी, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप ये गन स्किन निकालने वाले हो या नहीं निकालने वाले हो कमेंट कर दो दोस्तों अभी। सो यार मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी, और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं गाइस, जो अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर है वो तो गन स्किन का होने वाला है, बट गाइस जो अपना नेक्स्ट इसके यानी अगला वाला आएगा, ओके ये पैराफल के बाद आएगा, वो गाइस आप सुनोगे ना तो आप भाई बोलोगे क्या ही न्यूज़ दिया आपने, ओके सर। जो अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर इसके बाद वाला भी इंक्यूबेटर आने वाला है, उसकी भी डिटेल मैं बता देता हूँ गाइस, बट यार उससे पहले ये देख लो गाइस क्या ही तगड़ी वेपन लग रही है, ओके पैराफल की काफ़ी तगड़ी स्किन आने वाली है, सो यार आप निकाल ही लेना जहाँ तक मैं बोलता हूँ। सर अपने बता देते हैं कि अपना जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर में बंडल आएगा, जो यार ये पैराफल की गन स्किन के बाद में आएगा, मतलब एक दो महीने के बाद में जो इंक्यूबेटर आने वाला है, वो दोस्तों होने वाला है अपना रेड क्रिमिनल। जी हाँ दोस्तों, ये यानी कि पैराफल गन स्किन के बाद अपना रेड क्रिमिनल का आपको इंक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार 2 महीने तक चलेगा इवेंट। सर जहाँ तक यार काफ़ी रेयर आइटम दे दिया करेना वालों ने, सर आप निकालोगे या नहीं निकालोगे, जहाँ तक दोस्तों काफ़ी बंदे निकालने के लिए पहले से ही रेडी हो रखे हैं, पहले से ही डायमंड बचा के रखे हैं। सर कैसी लगी आपको वीडियो गाइस कमेंट करके ज़रूर बता देना, और हाँ गाइस आपको थोड़ी भी वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगी हो ना सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसी के बाद में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यार तुम्हारा भाई ऐसी न्यू धमाकेदार वीडियोस लाता रहता है। सो यार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और हाँ गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।